zombie apocalypse. तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल जबलपुर गेमर। तो जबलपुर गेमर की एक और नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है एंड गाइस वेलकम करते हैं अपनी एक और नई वीडियो में। तो आप सभी से बताने वाले हमारे फ्री फायर में आने वाली एक और न्यू अपडेट के बारे में। तो गाइस हमारे फ्री फायर में आने वाला न्यू गोल्ड रॉयल कैसा होगा उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ में अभी तक हमारे फ्री फायर में यह पुराना गोल्ड रॉयल चल रहा है, इसके बाद न्यू गोल्ड रॉयल आने वाला OB31 अपडेट के बाद तो कैसा होगा एंड गाइस OB31 अपडेट के बाद हमारे गोल्ड रॉयल के साथ साथ आप सभी को हमारे गेम में चेंजेस होने वाले हैं। तो हमारे गेम में क्या कुछ चेंजेस होने वाले आज की वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल के ऊपर सेट कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और हां गाइस अगर अभी तक हमारे एपी पेज को फॉलो नहीं किया तो एपी पेज को भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड गाइस देखिए उसमें अभी 500 फॉलोवर हो जाए तो फटाक से हम उसमें लाइव करना स्टार्ट कर देंगे। साथ में बात करेंगे OB31 अपडेट के बाद हमारे फ्री फायर में ये M87 की स्किन देखने मिलेगी जो हमारे नेक्स्ट टोकन टावर में रखी जाने वाली है। साथ में आप सभी को इसी की फिस्ट की स्किन देखने मिलेगी जो 4 टोकन में मिलने वाली है। और साथ में और भी रिवॉर्ड आएंगे तो उसका फुल रिव्यू करके जैसे इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो मैं और आप सभी को बता दूंगा। और आप सभी को ये M87 की स्किन कैसी लगी साथ में फिस्ट की स्किन कमेंट करके जरूर से बता देना। और आती है नेक्स्ट टोकन टावर में तो आप सभी लोग निकालोगे या नहीं कमेंट करके ये भी बता देना। एंड गाइस साथ में बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले न्यू गन स्किन के बारे में जो MAC-10 है गाइस, जिसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ बट गाइस इसका गेम प्ले के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि इसका गेम प्ले आप सभी लोग स्क्रीन में देख सकते हो कुछ इस तरह से होने वाला हमारा नेक्स्ट गेम प्ले मतलब MAC-10 का। और साथ में आप सभी को इस MAC-10 में आप सभी को SMG गन होने वाली है, जैसे कि जो भी गन न्यू आती है उसका गेम प्ले एकदम बढ़िया होता है, डैमेज वगैरह कुछ भी घटाया नहीं जाता, उसके बाद मतलब 2-4 महीने के बाद घटा दिया जाता है 1-2 वीक के बाद। तो ये MAC-10 कैसी लगी कमेंट करके बता देना। एंड गाइस आती है तो कौन कौन यूज करेगा, साथ में बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर में आने वाली कुछ अपकमिंग पिंस के बारे में जो OB31 अपडेट के बाद रखी जाने वाली है, जिसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन के साथ बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी को फर्स्ट इस पिन देखने को ये मिलेगी, सेकेंड आप सभी को ये ब्लू वाली देखने को मिलेगी। तो ये दो पिन सेम है बट थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर दिया है। एंड का चिक और ये पिन जो देख रहे हो वो आप सभी को हमारे इलाइट पास परचेस करने में मिलेगी। साथ में आप सभी को जो ब्लैक वगैरह ब्लैक देख रहा है वो आप सभी को मनी हिस्ट की पिन है। एंड का जिसका फुल रिव्यू आता है तो मैं तुरंत वीडियो लेके आ जाऊंगा बट गाइस हमारी मनी हिस्ट की भी पिन देखने को मिलेगी। साथ में आप सभी को बता देता हूँ हमारे फ्री फायर में आने वाले न्यू ईवो गन के बारे में जो हमारी नेक्स्ट ईवो गन होने वाली है गाइस फार्मर्स की। बट गाइस इसके पहले एक और आने वाली है ईवो M4A1 जिसमें आप सभी को गाइस इसके अभी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। एंड गाइस इसका फुल रिव्यू नहीं आया, जैसे फुल रिव्यू आता है तो मैं तुरंत वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो कैसी लगी हमारी M4A1 की ये न्यू अपडेट ईवो OB31 अपडेट के बाद इसका फुल रिव्यू आ जाएगा तो तुरंत वीडियो लेके जाऊंगा। साथ में बात करते हैं हमारे फ्री फायर में जो प्लेस होते हैं, जैसे कि आप सभी लोग प्लेन में बैठ के आप सभी लोग प्लेस के नाम नहीं देख पाते रहे तो आप सभी को इस पिक्चर में आप सभी को देखने मिल जाएंगे प्लेस के नाम। तो आप सभी को बहुत आसानी जाएगी हमारे प्लेस के वगैरह नाम पर देखने में। एंड का आप सभी लोग प्लेन से आसानी से उतर सकते हो। साथ में हमारे एक और न्यू अपडेट बता दूँ जिसमें आप सभी को एक ग्लोबल की स्किन निकल के आने वाली है जो आप सभी को हमारे रैंक टोकन एक्सचेंज में देखने को मिल सकती है। एंड गाइस या फिर जो बंदा हीरोइक जाएगा उसको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन कमेंट करके बता देना। साथ में एक और न्यू अपडेट बता दूं जिसमें हमारे विंटरलैंड में आप सभी को ये सारी की सारी गन देखने को मिलेगी। और साथ में गाइस कुछ होने वाली रैंक टोकन एक्सचेंज में और कुछ होने वाली विंटरलैंड में, तो आप सभी को ये सारी गन कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताओ। एंड गाइस जैसे ही आती है मैं तुरंत वीडियो लेके आ जाऊंगा। साथ में बात कर लेते हैं आप सभी के वन ऑफ द फेवरेट बंडल के बारे में जो हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल होने वाला है जिसका इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है ये दो बंडल। एंड गाइस इन दोनों बंडल में आप सभी को क्या लगता है कौन सा बंडल रखा जाएगा? मेरे हिसाब से तो राइट वाला बंडल रखा जाना चाहिए हमारे इंडिया सर्वर में। एंड गाइस ये लेफ्ट वाला बंडल है जो हमारे पाकिस्तान सर्वर में देखने को मिल सकता है। तो आप सभी को क्या लगता है इन दोनों वालों बंडल में से कौन सा देखने को मिल जाएगा? और साथ में आप सभी को और भी बहुत सारे बंडल दिखा दूं जी लीक्स निकल के आ रही है, तो आप सभी को इन बंडल में से कौन सा बंडल आना चाहिए कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड आप सभी को कौन सा फेवरेट बंडल है गोल्ड रॉयल के लिए यह भी कमेंट करके बता देना। एंड गाइस साथ ही बता देता हूं हमारे फ्री फायर में और भी फीमेल बंडल आने वाले हैं जिनका इन्फॉर्मेशन निकल के आया है। जितने भी मेल बंडल हैं उनके फीमेल बंडल देखने को मिल जाएंगे हमारे नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में या फिर नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल भी होने वाले हैं। तो आप सभी को क्या लगता है कौन सा बंडल आना चाहिए कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड गाइस बात करेंगे हमारे फ्री फायर में आने वाले कुछ न्यू इमोट के बारे में जो पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका नाम है ये फर्स्ट वाला इमोट रॉक पेपर
और सीजर। तो आप सभी को ये इमोट कैसा लगा? एंड गाइस ये सेकंड वाला इमोट आप सभी को मनी हिस्ट में देखने को मिल सकता है। एंड गाइस ये इमोट कैसा लगा कमेंट करके बता देना। साथ में एक और ये बढ़िया वाला इमोट जिसके पैर में आग वगैरह लगी होती है। एंड गाइस ये वाला इमोट कैसा लगा, जो ये शायद तक मेरे को भी लगता है कि ये मनी हिस्ट में रखा जा सकता है ये वाला इमोट, जैसे कि वो पैसा वाला इमोट है सेम उसी तरह से हो सकता है ये वाला इमोट। तो आप सभी को कैसे लगा कमेंट करके जरूर से बता देना। साथ में बताता हूँ हमारे न्यू डायनेमिक डुओ बंडल जो हमारे मनी हिस्ट की थीम पर रखे जाने वाले फीमेल बंडल, तो आप सभी को क्या लगता है निकालोगे या नहीं? जैसा कि भाई डायनेमिक डुओ बंडल आप सभी को कौन है अभी डायनेमिक डुओ फ्रेंड कमेंट करके बता देना। साथ में बात करूंगा आप सभी को, जैसे कि डायनेमिक डुओ आप सभी लोग दो बंदे बस जोड़ते थे तो आप पूरी स्क्वाड बना सकते हो अपनी डायनेमिक डुओ की, जैसे कि आप सभी लोग रीजन में आप सभी को फ्रेंड वगैरह ऐड करने के लिए बताता है। एंड गाइस कुछ रिवॉर्ड वगैरह देखने को मिलेंगे और साथ में आप सभी को ये दो बंडल भी देखने को मिलेंगे। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड गाइस ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।